है माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा, माँ निकुम्बला देवी जी का स्थान है। इनको भोजन भंडार में प्रमुख स्थान दिया गया। माता जी से हम सभी कामना करते हैं कि भोजन भंडार चलता रहे, उनका आशीर्वाद सभी पे बना रहे, सभी लोगों को इनका प्यार भरा आशीर्वाद मिलता रहे, भोजन प्रसादी मिलती रहे, इसी कामना के साथ हम इनसे निवेदन करेंगे। भंडारा इतना बड़ा हो रहा है कि देखें आप, यहाँ मशीनों को यूज़ करना चाह रहे हैं। क्या नाम भी आपका? पप्पू भाई। देखिए इसमें आटा भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं। कितने किलो आटा मस जाता है इसमें एक बार में? 10 किलो। ये देखिए मशीनों से काम करना पड़ रहा है, इतना बड़ा भंडारा, बहुत ग्रांत लेवल का भंडारा। थैंक यू भैया, चाय पी लीजिए। खिचड़ी भोग प्रसाद की तैयारी हो गई है। ये सुबह के भोजन में बटेगा खिचड़ी महाप्रसाद। 5 आदमी 4 आदमी कोचा चलाते हुए, 1 मुख्याचारी, 3 आदमी पानी देते हुए, और इतने सारे सब सहायक लोग हैं। ये आज के महाप्रसादी के इतने सारे साक्षी हैं। दूसरी टीम में हमारे प्रमुख राधे भैया, सीताराम, बड़े भैया राधे श्याम। यार कैमरा चल रहा है। आप देखिए आज का महाप्रसाद जो है 12 तारीख का प्रथम दिवस का दोपहर का महाप्रसाद बन के रेडी है। अभी से 10:30 बज रहा है। हमारे मौसम थोड़ा इस तरीके का है कि सुबह सुबह ज्यादा लगता है। काफी बड़ी टीम लगी हुई है, महाराज जी लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से रात भर से काम करवा रहे हैं। ये 12 क्विंटल बनता ना इस कढ़ाई में। आज जो है सुबह 12 क्विंटल का प्रसाद बनाया गया, जो की एक ही कढ़ाई है, ऐसी हमारे पास 3 है। तो ये 12 तारीख के प्रथम दिवस के लिए इतना प्रसाद अभी बन के हो चुका है, जो कि उधर बट रहा है सामने। माँ अन्नपूर्णा का भंडार जो है बिल्कुल भरा हुआ रहे, इसलिए सभी लोग सतत व्यवस्था में लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना बनाने वालों की, ना बनवाने वालों की, ना सेवा दान करने वालों की। देखिए इतनी सारी माताएं बहनें हमारी लगे हुए हैं और सभी लोग अपना सेवा दान कर रहे हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ सेवा कर ही रहे हैं। देखिए एक नमन गोरा पार्वती। चलिए इधर भी आते, लगाओ जयकारा जोर से एक बार और। बस ठीक है, ठीक। और यहाँ भोजन पूड़ियाँ तलने के बाद इस जगह हमारी माताओं की ड्यूटी लगी है, जो भोजन को यथाचित व्यवस्थित कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, हर क्षेत्र में सभी की ड्यूटी को निर्धारण किया गया समिति की ओर से। और यहाँ बन रहा है शाम के लिए भोजन, वापस अपने कढ़ाई की व्यवस्था हो चुकी है। अब आपको दिखा के लाते हैं, अभी कथा प्रारंभ हुई नहीं है, आज का प्रथम दिन है 12 तारीख को। और ये अगला बघार, अगला तेल हमारा लग चुका है इधर कढ़ाइयों में, अगली प्रसादी की व्यवस्था करते हुए। सारे हलवाई, सारे समस्त सेवादार भैया लोग, सब्जियां बहुत मात्रा में कटी हुई है। ये हमारे मुख्याचारी के छोटे वाले मुख्याचारी हैं, यहाँ भी कच्चा भोजन हमारा रखा हुआ है। ये सब की व्यवस्था जो है शाम के लिए हो जा रही है। इस तरफ भी हमारी काफ़ी संख्या में माता बहनें हैं, जो अपने कार्य को कलापों को अंजाम दे रही हैं, जिनकी उपस्थिति वंदनीय है। यहाँ सब्जी, इस तरफ सब्जी का विभाग था, उधर पूरी का विभाग था, इधर सब्जी का विभाग है। इधर पूरी सब्जियाँ कट रही हैं सारी, और माता बहनों के साथ साथ में हमारे भैया लोग, बुजुर्ग लोग, दादाजी लोग भी हैं। दूसरे तरफ हमारी जो कढ़ाइयाँ बनी थी 10, इन लोगों पे माताएं जी हमारी भोजन प्रसादी बना रही है। इनसे जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। हर हर महादेव आंटी जी, कौन सी समिति से हैं आप सभी लोग? मिलानपुर समिति। कितने लोग आए आपकी समिति में? टोटल संख्या कितनी है? 15 लोगों की समिति आई है। चलिए ठीक है। ये कौन सी समिति है? मिलानपुर वाले ही है सब मिलानपुर की समिति है पूरी। ये मिलानपुर की समिति है, हमारे आसपास के गांवों के द्वारा भी समिति बन के आई है, जिन्होंने हर दिन अपनी सेवा का भाव निश्चित किया गया था, अपनी सेवा देने के लिए इस भंडारे में। सिख समाज की टीम, सिंधी समाज की टीम भी भोजन प्रसादी बांटने में लगी हुई है।
सुबह से सेवा भाव में लगी हुई है और आगे की रणनीति बनाते हुए नया मंडल एक कौन सा मंडल है भी आप लोगों का? एक बार जोर से नारा लगवा दो, नारा लगवा दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।